वेलकम स्टूडेंट्स, लेसन थर्ड को ही कंटिन्यू करते हुए मैं आपको आगे बताऊंगी अदर फाइब्रस मटेरियल्स के बारे में, जो आप अपनी जो जूनियर क्लासेस थी 6th और 7th उसमें पढ़ चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ उनके यूजेस बताए हैं कुछ, जैसे कॉटन, जूट और वूल, ये नेचुरल फाइबर्स हैं, तो इनमें कॉटन का यूज़ और सिल्क फाइबर का यूज़, वूल का यूज़ क्लोथ्स बनाने में किया जाता है अलग अलग तरह के, और जूट का यूज़ मेनली गनी बैग्स और शॉपिंग बैग्स बनाने में किया जाता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को सेरिकल्चर बोला जाता है, जो आपने 7th क्लास में पढ़ी थी। और अगर आपको दोबारा वो चीज़ समझनी है तो जब मैं लेसन थर्ड की वीडियो डालूँगी क्लास 7th की, तब आप उसमें देख सकते हैं। देखिए, आगे हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। प्लास्टिक्स ये ऐसे मटेरियल हैं जो कि ईजीली माउल्ट किए जा सकते हैं किसी भी डिज़ायर्ड शेप में ऑन हीटिंग, हीट करने पर। प्लास्टिक को हम ऐसा मटेरियल मतलब बोलते हैं, या ऐसा मटेरियल है वो प्लास्टिक जो कि किसी भी डिज़ायर्ड शेप में हीट करने पर माउल्ट किया जा सकता है। प्लास्टिक्स सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं जो कि मैनमेड है। रॉ मटेरियल्स फॉर प्लास्टिक, प्लास्टिक के लिए रॉ मटेरियल क्या लगते हैं? मोस्टली पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, जैसे ईथेन, प्रोपेन, बेंजीन, टोलुइन, ये रॉ मटेरियल्स हैं। और इन मटेरियल्स का पॉलीमराइजेशन किया जाता है, फिर पहले वो मोनोमर्स में कन्वर्ट किए जाते हैं केमिकली, और उसके बाद उसका पॉलीमराइजेशन करके प्लास्टिक बनाई जाती है। प्लास्टिक दो तरह की होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। सबसे पहले देखिए थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक इस टाइप की प्लास्टिक होती है जिसे सिर्फ एक बार ही माउल्ट किया जा सकता है, दोबारा उसे हीट करके रीमाउल्ट नहीं कर सकते। इसमें आती है बेकलाइट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं जो कि रेडियो के कैबिनेट, टेलीविज़न, टेलीफोन सेट्स, वाटर टैंक, इन सबको बनाने में यूज़ किए जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का यूज़ किचन यूटेंसिल्स के हैंडल्स को बनाने में भी किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक ये ऐसी प्लास्टिक है जो कि हम इसे एक बार माउल्ट करने के बाद दोबारा भी माउल्ट कर सकते हैं, रिमाउल्ट किया जा सकता है इसको हीट करने के बाद, और इसको अलग अलग शेप दे सकते हैं, बार बार माउल्ट करके उसको रीयूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से PVC, पॉलीस्ट्रीन, नायलॉन, पॉलीथीन, ये सब थर्मोप्लास्टिक्स हैं। थर्मोप्लास्टिक्स पाइप्स बनाने के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। देखिए फिर इसके डिफरेंस दिए हुए हैं। फर्स्ट जो डिफरेंस है उसमें बताया गया है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जो पॉलीमर होता है उसको हीट करने पर, मतलब इस पॉलीमर, वो पॉलीमर इस टाइप का होता है कि उसे हीट करने पर वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करके मतलब उनकी जो क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, जिस वजह से उन्हें रिमाउल्ट नहीं किया जा सकता। थर्मोप्लास्टिक जो हैं ये लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं और हीट करने पर ये एक दूसरे को क्रॉस करके लिंक नहीं करते हैं, इस वजह से इनको रिमाउल्ट किया जा सकता है। और इसका जो सेकंड है दोनों का ही, वो मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया, और इसके एग्जांपल भी मैंने आपको डेफिनेशन में अभी एक्सप्लेन किए थे। अब देखिए साइड में लिखा हुआ है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होती है, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि पॉलीमराइजेशन किया जाता है। तो जब हम सिंपल मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। प्लास्टिक्स इसी तरीके से बनाई जाती है, अभी मैंने आपको बताया था। अब देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लास्टिक की वो देख लीजिए। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है टफनेस और टेंसिल स्ट्रेंथ। प्लास्टिक जो है उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ मटेरियल टू मटेरियल अलग अलग होती है। प्लास्टिक है मच लेस टफनेस एज कम्पेयर टू मेटल्स एंड अलॉयज लाइक स्टील। प्लास्टिक की जो टफनेस है वो मेटल और एलॉय के कंपैरिजन में कम होती है। लाइट वेट प्लास्टिक जो है वो वुड और मेटल के कंपैरिजन में हल्की होती है, ये तो आपने फील भी किया होगा।
केमिकल रिएक्टिविटी, प्लास्टिक जो होते हैं उन पर एसिड और एल्कलीज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, और ये नेचुरल पॉलीमर्स जैसे कॉटन, वूल जो हैं वो तो एसिड और एल्कलीज की वजह से डैमेज हो जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक डैमेज नहीं होती है। अपीयरेंस इसका, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल कैन बी मेड दे लुक लाइक ग्लास। जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक आती है वो बिल्कुल ग्लास जैसी दिखती है, और प्लास्टिक को अलग अलग कलर्स में, अलग अलग शेप में देखा जा सकता है और बनाया जा सकता है, और इसकी जो वेराइटीज़ हैं आप अपने घरों में देख सकते हैं, आपको अलग अलग कलर की प्लास्टिक अलग अलग शेप में मिल जाएगी। वेदर रेजिस्टेंट, जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो डिकम्पोज नहीं होती है, और इसीलिए उसके मतलब वेदर के साथ साथ चेंज भी नहीं होती। जैसे जो कॉटन और वूल है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है उसका वेदर का, लेकिन प्लास्टिक के ऊपर नहीं पड़ता है। थर्मल कंडक्टिविटी, प्लास्टिक जो है वो हीट की बैड कंडक्टर होती हैं, इसीलिए कुकिंग यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, बिकॉज वो जब वो जो कुकिंग यूटेंसिल है जब वो गर्म हो जाता है तो उसके गर्म होने के साथ साथ जो प्लास्टिक का हैंडल लगा हुआ है वो गर्म नहीं होता है, जिसकी वजह से हम ईज़िली यूटेंसिल को पकड़ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, प्लास्टिक में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, यही इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है प्लास्टिक का, जो स्विचेस होते हैं, आयरन्स होती हैं, टॉर्चेस, बल्ब होल्डर्स, इनमें यूज़ किया जाता है प्लास्टिक का। वाटर में सॉल्युबिलिटी, प्लास्टिक के ऊपर वाटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वाटर में वो डिसॉल्व नहीं होती है। इफ़ेक्ट ऑफ फ्लेम, फ्लेम का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो प्लास्टिक जो है जैसी फ्लेम के पास लाई जाती है वो मेल्ट हो जाती है। प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आती है कॉमनली कौन कौन सी प्लास्टिक्स होती हैं और उनको उनके यूज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले है पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है वो एथीन के पॉलीमराइजेशन से बनती है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये किसी भी तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होती है। पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, ये बहुत टाइम्स मतलब कई बार अलग अलग शेप में माउल्ट किया जा सकता है। ये लाइट वेटेड होती है, एंटी कोरोसिनेट होती है और इंसुलेटर होती है, मतलब इसका वेट बहुत हल्का होता है, इसके ऊपर किसी भी केमिकल का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है और ये एक अच्छी इंसुलेटर भी होती है। इसके यूज़ है कैरी बैग्स बनाने में इसका यूज़ होता है, कॉमनली हमारे यहाँ मिली लोग पॉलीथीन का ही यूज़ करते हैं हर चीज़ को रखने के लिए। एडिसिव टेप्स इसके लिए इसकी बनती हैं, जो टेप्स उनमें यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग वगैरह में, अगर कहीं से कुछ भी कट जाता है, कुछ भी कट लग जाता है वायर में, तो उसको टेप करने के लिए, उसकी टेपिंग करने के लिए एडिसिव टेप्स यूज़ किए जाते हैं। किचन में स्टोरिंग कंटेनर्स की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है, और इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं उनके ऊपर इंसुलेटर की फॉर्म में इसका यूज़ होता है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड मतलब पीवीसी, ये वाइनल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन से मिलती है और ये एक थर्मोप्लास्टिक है, इसके यूज़ शूज़ के सोल्स बनाने में। इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं उनकी कवरिंग जो होती है उसमें एज अ इंसुलेटर इसको यूज़ किया जाता है। सैनिटरी फिटिंग्स जो होती हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। पॉलीस्ट्रीन, पॉलीथीन का ही एक पॉलीमर है ये पॉलीस्ट्रीन। पॉलीस्ट्रीन एक थर्मोप्लास्टिक है जो कि हाईली ट्रांसपेरेंट पॉलीमर है, जिसमें से बहुत अच्छे से मतलब कुछ भी आर पार देखा जा सकता है, इसीलिए इसका यूज़ हॉट ड्रिंक कप्स, टॉयज़, हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में किया जाता है, और एक्सपेंसिव आइटम्स को रखने के लिए जो पैकेजिंग मटेरियल में इसका यूज़ किया जाता है। स्टेरोफोम बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, और रेफ्रिजरेटर्स में इंसुलेटिंग मटेरियल के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। टेफ्लॉन, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोएथीन। टेट्राफ्लोरोएथीन से, उसके पॉलीमराइजेशन से टेफ्लॉन बनाया जाता है। टेफ्लॉन के ऊपर हीट और केमिकल्स का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका यूज़
नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनाने में किया जाता है, और केमिकल इंडस्ट्री में कहीं पे भी कोरोजन प्रूफ कोटिंग करनी होती है तो टेफ्लॉन की ही कोटिंग की जाती है, बिकॉज पे केमिकल्स का इफेक्ट नहीं पड़ता है। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है जो कि एक बहुत अच्छा इंसुलेटर है, इसीलिए इसका यूज़ जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस और प्लग्स होते हैं उन्हें बनाने में किया जाता है। गियर व्हील्स और टेबल टॉप लेमिनेट्स जो होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। कॉम्स, फाउंटेन पेन, बॉडीज़ और फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मेलामाइन। मेलामाइन जो है वो भी एक थर्मोसेटिक पॉलीमर है जो कि हार्ड होता है और हाईली पॉलिश्ड पॉलीमर है, इसीलिए इसका यूज़ अनब्रेकेबल किचनवेयर बनाने में किया जाता है। जो किचन में डिनर सेट यूज़ किए जाते हैं उनमें यूज़ किया जाता है मेलामाइन को। देखिए फिर इन्हीं जो प्रॉपर्टीज़ मैंने अलग अलग प्लास्टिक्स की और यूज़र्स बताए थे उन्हीं को ही समरी करके उसकी एक टेबल यहाँ पे बनाई है। अब देखिए इसके आगे प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक जो है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, मतलब ये डिकम्पोज होने में बहुत सारी ईयर्स लेगा, इसी वजह से एनवायरनमेंट को ये पॉल्यूट करता है, बिकॉज ये बहुत टाइम तक एनवायरनमेंट में बना रहता है और इस वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत इसका बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है और इसके पॉल्यूशन को हम कम करने के लिए इसके यूज़ को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर रिसाइकलिंग कर सकते हैं या फिर इसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो या तो हम प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल कम कर दें धीरे धीरे करके और फिर उसका यूज़ बिल्कुल बंद कर दिया जाए, या फिर रिसाइकलिंग कर सकते हैं प्लास्टिक्स की और उसे रीयूज़ कर सकते हैं।